सर आपने पीएफआई को बैन किया स्वागत है सर एज अ रिपोर्टर आई हैव रिपोर्टेड ऑन मल्टीपल स्टोरीज स्टोरीजीएफआई अक्यूज ऑफ किलिंग एंड टेरर स्वागत है सर लेकिन अब जाके टू बी जब कैंसिल हो जाता है डज इट बिकम इजी फॉर योर पोलिटिकल ओपोनेंट्स टू पेंट यू एज एंटी मुस्लिम मिनिस्टर जी कैंसिल हो गया है कौन सा टू बी कैंसिलू बी चार, चार परसेंट निकाल के दो परसेंट थ्री सी और थ्री डी और टू सी और टू डी में दिया सर. नहीं नहीं टू बी कैंसिल नहीं किया है टू मुस्लिम रिजर्वेशन को कैंसिल किया है धर्म के आधार पर रिजर्वेशन हमारी संविधान की सहमति नहीं है इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है गैर संविधानिक है इसलिए हमने इसको खारिज कर दिया है और ये करने में थोड़ा लेट ही हो गया हाँ सर उसके बाद लोग जो इसको विश्लेषण करते हैं वो बोलते हैं चुनाव के लिए आपने इसको किया है दो परसेंट जो ज्यादा आपने लिंगाया तो चुना, था चुनाव के लिए करने का सवाल ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी का ये पॉलिसी बहुत शुरुआत से है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होना नहीं। चाहिए रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए मैं अभी कुछ दिन पहले गया था तेलंगाना वहां पर भी कहकर अगर हमारी सरकार बनती है तो तेलंगाना में जो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन है उसको हम समाप्त कर देंगे सर आई एम श्योर आपके अनुभव में आपने पूरा इसका ऑल पॉसिबिलिटीज को परीक्षा करके ही निर्णय लिया होगा लेकिन मुस्लिम समुदाय के कुछ उपजाति जो है वो कैटेगरी वन में भी है कैटेगरी टू में भी है चिन्ना रेड्डी करके एक कमीशन का रिपोर्ट भी है और टू बी का जो निर्णय हुआ था वो देवे गौड़ा जी का प्रधानमंत्री होने के अवसर में हुआ था इफ दिस इज चैलेंज इन द कोर्ट अमित शाह बिकॉज यूर पोलिटिकल ऑपरेटर पहले आप एक चीज का कानूनी पहलू समझ लीजिए बैकवर्ड कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर जो मुस्लिम काम करने वाली जातियों में बैकवर्डनेस है उसका रिजर्वेशन आज भी चालू है हमने उसको रद्द नहीं किया है क्योंकि वो धर्म के आधार पर नहीं, नहीं है बैकवर्डनेस के आधार पर है प्वाइंट टू बी का जो रिजर्वेशन है वो धर्म के आधार पर था सारे मुसलमानों के इसको हमने रद्द किया क्योंकि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता है तो हमने सोच समझ कर संविधानिक स्टैंड लिया ओके okay. सर अब आप उसको ईडब्ल्यू में डालेंगे डालेंगे या ना नहीं है ही ईडब्ल्यू में है ही एक और वेरी कॉमनली आस्ट टेक्निकल क्वेश्चन यह है कि ईडब्ल्यू में वो समुदाय रहेंगे जिनको रिजर्वेशन के व्याप्ति में अवकाश या अवसर नहीं मिला हाँ तो वो ईडब्ल्यू एस में आ ही जाते हैं अच्छा मानो गुजरात में मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं है अच्छा। तो ईडब्ल्यूएस में मुस्लिम बच्चों को आरक्षण मिलता ही है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको उसमें सारे मुसलमानों को नहीं मिल सकता